नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में भारत का मैदान पूरा का पूरा डिटेल में बताया था, और उस वीडियो में बोला था मैंने आपको कि भारत की नदियां जो है नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो से मैं आप सभी के लिए भारत की नदी स्टार्ट कर रहा हूं। और एक चीज़ याद रखना, भारत की नदी कोई छोटा सा चैप्टर नहीं है कि एक वीडियो में ख़त्म हो जाए, ये बहुत लंबा टाइम लेगा, ठीक है। और मेनली आज का वीडियो ये हमारा पार्ट वन है भारत की नदियों के ऊपर। तो इसमें हम लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं भारत की नदी को लेकर के, पहले उसको देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग आज ही से सिंधु नदी जो तंत्र है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, हमारा जो भारत देश है, अगर रफ डायग्राम बना रहा हूँ भारत का, ठीक है, जस्ट ऐसे ही है, ये हमारा भारत देश का एक रफ डायग्राम है, ठीक है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर जो उत्तर में क्या है, हमारे हिमालय है। क्या चीज़ है? हिमालय है। तो उद्गम के आधार पर भारत देश की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। जो नदियाँ हिमालय के क्षेत्र के आसपास बहती हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालय की नदियाँ। और जो नदी हमारे प्रायद्वीपी पठार जो है यहाँ पर जो बहेगी उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपी नदियाँ। तो भारत की जो संपूर्ण नदियाँ हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? उद्गम के आधार पर दो भागों में। कौन कौन सा? हिमालय की नदियाँ और दूसरा क्या है आपका? प्रायद्वीपी नदियाँ। देखिए, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपी नदियाँ, ठीक है। तो हिमालय की जो नदी होगी उसको भी फिर से तीन भागों में बांटा गया है। जैसे अगर बात करूँ मैं हिमालय की नदी, हिमालय नदी तंत्र या हिमालय की जो नदियां हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला तो आ जाएगा आपका सिंधु नदी तंत्र, दूसरा आ जाएगा आपका गंगा नदी तंत्र, और तीसरा आ जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो टोटल हमारे जो हिमालय की नदियां हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तीनों का तीनों अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इन तीनों को एक एक करके डील करेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो जो मेन मेन फैक्ट्स हैं, जैसे कि देखो कई लोग जब पढ़ाते हैं तो सबसे पहले ही प्रायद्वीपी नदियां और हिमालय की नदियों इनके बीच में अंतर बता देते हैं। तो मैं आप सभी को ये सारा जो टॉपिक्स है, जब टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा नदी पढ़ लेंगे, तो उसके बाद इस चीज़ को प्रायद्वीपी नदी और हिमालय की नदियों में क्या अंतर है वो बताऊंगा। क्योंकि देखो, जब पूरा नदी पढ़ लोगे तो उसके बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक एक करके डील करते हैं हम सभी हिमालय की नदी। आज हिमालय की नदी जो है उसका जो पहला पॉइंट है क्या चीज़, आपका सिंधु नदी तंत्र, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु नदी तंत्र को मेन जो नदी है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र का जो सबसे मेन नदी है वो कौन सा है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी का जो उद्गम है वो होता है तिब्बत, ठीक है। तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। कौन सा झील? मानसरोवर। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है। आप लोग अगर नोट करोगे ना तो ऐसे ही नोट करना, तिब्बत है, तिब्बत के मानसरोवर झील से क्या होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। और जब उद्गम होता है तो इसको क्या कहा जाता है? शेरमुख। इसको क्या कहा जाता है वहां पर? शेरमुख कहते हैं। उसके बाद ये सिंधु नदी चलती है तिब्बत से, उसके बाद ये हमारे भारत देश में प्रवेश करती है। भारत देश में देखो, जम्मू कश्मीर को तो बांट दिया गया है, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब ये कहाँ प्रवेश करेगी, समझ जाओ, हमारे लद्दाख का जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ प्रवेश करेगी। और जहाँ पर प्रवेश करती है, इस जगह का नाम याद रखना, कहीं देखो जब आप मैप देखोगे ना इंडिया का, तो वहाँ पर दमचेक लिखा है, दमचौक करके एक जगह है, ठीक है, दमचौक। यहाँ पर क्या करती है, ये सिंधु नदी आई, और उसके बाद दमचौक से ये जो है लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ से हमारे भारत देश में प्रवेश करती है, और उसके बाद ये फिर और आगे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो श्रेणियाँ हैं, आप सभी जानते होंगे, एक है लद्दाख, ठीक है, एक श्रेणी का नाम क्या है? लद्दाख। और एक श्रेणी का नाम है आपका जास्कर। तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। और एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखना, यहीं पर एक लेह करके जगह है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, सिंधु लेह जो है वो सिंधु नदी के बाएं तट पर है या दाएं पे है, मतलब बाएं में है स्थित है या दाएं पर स्थित है। जब नदी ऐसे बह रही है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो लेह अगर यहाँ पर है, ये आपका क्या है, ये लेह है, तो ये कहाँ पर है? दाएं तट पर है। किधर है ये? दाएं तट पर है। तो लेह जो है सिंधु नदी के कौन से तट पर है? दाएं तट पर है, इस चीज़ को याद रखना। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि जब सिंधु नदी का उद्गम होता है तो ये किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो देखो, आप सभी को बताया था, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है मतलब उत्तर की ओर जा रहा है, और इधर जा रहा है मतलब पूर्व में। तो जब सिंधु नदी का उद्गम होता है, मैं बात कर रहा हूँ उद्गम का ना, पाकिस्तान साइड जाएगा तो फिर वो नीचे जाएगा, उद्गम होता है तो ये क्या होता है आपका? उत्तर पूर्व की ओर आगे जाता है।
अब यहाँ पर पूरी क्या है आपकी लद्दाख श्रेणी है, क्या है लद्दाख श्रेणी है, ठीक है। तो जैसे ही सिंधु नदी और आगे जाता है, ये जो लद्दाख श्रेणी है इसी को बूंदी करके एक जगह है, ठीक है, कौन सा जगह है, बूंदी नामक एक जगह है, वहां पर ये लद्दाख जो श्रेणी है उसको काटती है और काट करके 1581 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है। तो अब जो मेन कई लोगों को दिमाग में आता है कि आखिर ये गार्ज क्या होता है, तो पहले गार्ज को समझ लेते हैं। देखिए गार्ज क्या होता है, ये सारा का सारा जो पॉइंट है इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गार्ज क्या होता है, देखिए सबसे पहले मान लो ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहां से कोई एक नदी बह रही है, तो नदी क्या करती है, इस पहाड़ को काटता है, क्या करता है, काटता है। तो अब ये आपको इस प्रकार से दिख रहा है, एक्चुअल में ये पूरा का पूरा आई शेप बन जाता है इस टाइप से। मूवी वूवी में देखे होंगे आप सभी, ये इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, बीच में क्या होती है, नदी। तो इसका जो गहराई है, कितना गहरा काटा है उसको, तो 1581 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करता है। मतलब नदियां जो हैं वो पहाड़ों को काटती है, और पहाड़ों को काटने से जो नदी तो नीचे रहेगा, पहाड़ ऊपर ही रहेगा, तो वो जो हाइट है मैक्सिमम हाइट वही क्या कहलाता है, आपका गार्ज कहलाता है। और ये 1581 मीटर है, ठीक है, कितना है, 1581 मीटर है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक। अब उसके बाद फिर ये सिंधु नदी और आगे जाता है लद्दाख श्रेणी को काटने के बाद, अब ये फिर जम्मू कश्मीर पहुंच जाता है लद्दाख से, और जम्मू कश्मीर में जाने के बाद फिर ये पाकिस्तान की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ेगा, पाकिस्तान की ओर मुड़ेगा, और फिर ये पाकिस्तान होते हुए, मतलब ये पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ से फिर ये कराची जाता है, और यहाँ पर कौन सा सागर है, भारत के इधर अरब सागर है, कौन सा सागर है आपका, अरब सागर है। तो ये अरब सागर में क्या करता है, अपना जल को गिरा देता है। तो जब ये भारत को छोड़ करके पाकिस्तान जाता है, तब इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, ये याद रखना। अब ये देखो साउथ की ओर जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है, और इधर भी कौन सा डायरेक्शन है आपका, पूर्व ही है, तो दक्षिण पूर्व की ओर ये मुड़ जाता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ता है, और कराची में के पास क्या होता है, अरब सागर में जाकर के अपना जल को गिरा देता है। तो ये एक पॉइंट हुआ, क्या हम लोग किसको पढ़े अभी तक, सिंधु नदी को। और सिंधु नदी से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि सिंधु नदी का लंबाई पूछ लेता है, तो सिंधु नदी का जो लंबाई है वो है आपका 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी का जो टोटल लेंथ है वो कितना है, 2880 किलोमीटर। मतलब मानसरोवर झील से निकल करके उसको जब अरब सागर में जाना है, यहाँ तक ये 2880 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। आप सभी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, भारत में ये जो सिंधु नदी का है, मतलब दमचौक से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है, ठीक है, मैप में देखोगे तो यह इस जगह को नगर करके लिखा है, क्या लिखा है, नगर, ठीक है। तो दमचौक से लेकर के ये जो नगर टाइप जब तक का एरिया है, इतना का कितना लेंथ है, नीचे कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है, सिंधु नदी का। अब यहाँ से एक चीज़ और, एक फैक्ट्स है, इसको याद रख सकते हो। जैसे कि अभी तो सिंधु नदी का याद किया हम लोगों ने, 2880 किलोमीटर है। सारे के सारे नदियों का अगर आपको लंबाई याद रखना है ना, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, ये ट्रिक को याद रखना, बसी ग सगा यहाँ, ठीक है। जैसे सगा हम लोग का जो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, वहाँ पर सगा मतलब क्या होता है, कोई मेहमान जो आता है उसको सगा बोलते हैं, ठीक है। तो उसी से ट्रिक बना है, बसी ग सगा यहाँ। तो ब से होता है ब्रह्मपुत्र, ब से क्या है, ब्रह्मपुत्र है, और ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिंधु नदी, सिंधु नदी का लंबाई कितना है, 2880 किलोमीटर लंबाई किसका है, सिंधु नदी का। ग से बनता है गंगा नदी, तीसरा जो है गंगा नदी का जो लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर है, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद स से बनता है आपका सतलज, स से क्या है, सतलज है, इसका लंबाई है 1500 किलोमीटर। उसके बाद दक्षिण की सबसे लंबी नदी गोदावरी, 1465 किलोमीटर इसका लंबाई है। और य से बनता है यमुना, ये 1385 किलोमीटर इसका लंबाई है, ठीक है। तो इन सारे के सारे फैक्ट्स को आप सभी याद रखिएगा। ट्रिक भी है, बस्सी का सगा यहाँ। तो यहाँ से भारत की जो मेन प्रमुख नदियाँ हैं, ज़्यादा देखो सबका लंबाई नहीं पूछता है, जो सबसे बड़ी नदी है जैसे ब्रह्मपुत्र, उसका लंबाई पूछ लेगा 2900 किलोमीटर। सिंधु का पूछ लेगा 2880 किलोमीटर। गंगा का पूछ लेगा 25-25 किलोमीटर, याद रखना। या तो फिर आपका एक इसको पूछता है 1465 किलोमीटर गोदावरी का, क्योंकि दक्षिण की सबसे लंबी नदी यही है। तो ये था हमारे भारत की नदियों का क्रम, ट्रिक से है, याद रख सकते हो। अब आते हैं हम सभी, हमारा जो मेन है सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो देखो यहीं पर मानसरोवर के पास ही एक राकस ताल करके जगह है, जगह का नाम क्या है, राकस ताल।
राक्षस ताल, ठीक है। यहाँ से आपका सतलज नदी निकलता है, कौन सा नदी निकलता है, सतलज, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकला क्या, ये मानसरोवर के पास से ही सतलज नदी निकलता है और ये जाता है आगे, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद यहाँ पर इसको मिलता है क्या, एक दर्रा, क्या कौन सा, हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है, सिपकिला दर्रा, कौन सा, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा से ये हमारे भारत में प्रवेश करता है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है दर्रा, ठीक है, दर्रा आया, तो बात करते हैं हम लोग आखिर ये दर्रा होता क्या है। देखो, जब कोई भी, जैसे आप सभी जानते हो हिमालय जो है वो नवीन पर्वत है, तो जब हिमालय बन रहा था, हिमालय क्या हो रहा था, बन रहा था, और नदी पहले से ही वहाँ पर बह रही थी, नदी क्या थी, पहले से ही वहाँ बह रही थी, तो हिमालय तो बनते गया, हिमालय ऊपर उठते गया, लेकिन नदियों ने अपना रास्ता नहीं बदला, नदियों ने अपना रास्ता नहीं बदला, उसको काटी और काट करके अपना मार्ग बनाते रही, और कुछ दिन बाद क्या होता है, नदी सूख जाती है, तो वहाँ पर जो जगह बनता है ना, वही चीज़ क्या कहलाता है, दर्रा। और दर्रा ही आज के समय आने जाने का काम करता है, समझ में, पहाड़ी क्षेत्रों में एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो दर्रे का यूज़ किया जाता है। मतलब पहले यहाँ पर नदियाँ बहती थी, अब नहीं बहती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, जैसे कि अपना ये सिपकिला दर्रा है, पहले यहाँ पर कोई नदी बहती थी, अब नहीं बह रही है, लेकिन यहीं से हमारा क्या होता है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा के पास से, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद अब हम सभी आते हैं, सिपकिला दर्रा हमारे भारत जो सतलज नदी है, कौन सी नदी, सतलज नदी, उद्गम कहाँ से हुआ, मानसरोवर के पास जो राक्षस ताल है वहाँ से उसका उद्गम हुआ, वो चली और हमारे भारत में कहाँ से प्रवेश कर रही है, जो सिपकिला दर्रा है वहाँ से हमारे भारत में प्रवेश करती है। ये कौन सा राज्य है आप सभी का, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और उसके बाद फिर ये मुड़ती है, और मुड़ने के बाद फिर ये पंजाब जाती है, और पंजाब और पाकिस्तान का थोड़ा देर तक सीमा बनाती है। उसके बाद फिर ये चली जाती है मिठानकोट, ठीक है, इस जगह का नाम क्या है, मिठानकोट, ठीक है। मिठानकोट में ये जा करके किसमें मिल जाता है, तो सिंधु नदी में, किसमें मिल जाता है, ये सिंधु नदी में, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, हिमाचल प्रदेश से ही तीन और नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सा है देख लो एक एक करके। सबसे पहले जैसे ब्यास है, ब्यास नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो रोहतक दर्रा है, कौन सा दर्रा है, रोहतक, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ लिख रहा हूँ रोहतक, ठीक है, दर्रा का नाम याद रखिएगा, दर्रे का नाम क्या है, रोहतक दर्रा जो है, रोहतक दर्रा, यहाँ से आपका कौन सा नदी निकलता है, तो इसी रोहतक दर्रे के पास से आपका ब्यास नदी निकलता है, कौन सी नदी, व्यास नदी, और यहाँ पर एक्चुअल में एक कुंड है, उस कुंड को कहा जाता है व्यास कुंड। रोहतक दर्रे के पास एक व्यास कुंड है, व्यास कुंड से क्या निकलता है आपका, तो ब्यास नदी निकलता है, और ये ब्यास नदी आगे चल करके हरिके बैराज करके जो जगह है पंजाब में, कौन सा जगह, हरिके बैराज, इस जगह का नाम याद रखिएगा, हरिके बैराज, ठीक है, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखो जो हरित क्रांति हुआ था, हरित क्रांति में ये जो एक नहर बनाया गया था, इंदिरा गांधी नहर, कौन सा नहर, इंदिरा गांधी नहर, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के नाम पर इंदिरा गांधी नहर बनाया गया, और ये इंदिरा गांधी नहर ही हरित क्रांति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और ये जो नहर है ये आगे जाता है राजस्थान का जो जैसलमेर जो एरिया है वहाँ तक ये सिंचाई करता है, इसी नहर के माध्यम से होता है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का कभी कभी लेंथ पूछ लेता है, तो 468 किलोमीटर है इसकी लंबाई, इंदिरा गांधी नहर का, ये सारी चीज़ को याद रखना है। मतलब क्या है, हिमाचल प्रदेश का जो रोहतक दर्रा है वहाँ से ब्यास नदी निकला, क्या नदी है ये, ब्यास नदी निकला, और ये ब्यास नदी फिर आगे जा करके देखो ये पाकिस्तान में नहीं जाता है। ये जो सिंधु नदी तंत्र का बहुत बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि कौन सी नदी है जो आपका उसमें नहीं जाता है, पाकिस्तान में नहीं जाता है, वो नदी का नाम क्या है, ब्यास नदी है, और ये कहाँ पर हमारे पंजाब का जो हरिके बैराज है वहाँ पर जा करके आपका सतलज नदी में मिल जाता है, ठीक है। इतने सारे फैक्ट को याद रखना, और जगह का नाम क्या है, हरिके बैराज है, वहीं से क्या है एक नदी निकाला गया है, सॉरी नहर निकाला गया है, नहर का नाम क्या है आपका, इंदिरा गांधी नहर, लेंथ कितना है 468 किलोमीटर। देखो रोहतक दर्रे के पास से ही एक और नदी निकलती है, नदी का नाम याद रखना रवि, ठीक है, ब्यास रावी ये सारा का सारा जो नदी था उसी में से एक नदी है क्या, रावी, रावी नदी यहाँ से निकलती है, और ये भी कहाँ से निकला है, रोहतक दर्रे के पास से, ठीक है, रोहतक दर्रे के पास से रावी नदी निकलता है, और ये फिर आगे जा करके आपका
ये चला जाता है पाकिस्तान। कहाँ चला जाता है ये? पाकिस्तान चला जाता है। तो रावी नदी के लिए बस इतना ही फैक्ट याद रखना आपसे भी, रोहतांग दर्रे के पास से निकलता है और ये कहाँ चला जाता है आगे आपका? पाकिस्तान चला जाता है। देखो हिमाचल प्रदेश से मैंने जैसा कि कहा था कि तीन नदियाँ निकलती हैं, तो व्यास रावी हो गया, तीसरा है चिनाब। तीसरा नदी क्या है? चिनाब। तो यहीं पर एक बड़ा लाचा दर्रा है। दर्रा का नाम क्या है? कहीं कहीं पर बड़ा लाचा दर्रा पढ़ने को मिलेगा, कहीं कहीं पर बड़ा लाचा दर्रा पढ़ने को मिलेगा। तो बड़ा लाचा दर्रा है यहाँ पर ना, दो धाराएं हैं। चलो मैं हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय की जो दो धाराएं, ठीक है, चंद्रा और भंगा, ठीक है, ये दोनों मिलकर के चिनाब नदी बनाती हैं, ठीक है। तो बड़ा लाचा दर्रा के पास वो दोनों का दोनों मिलती हैं और उसके बाद क्या करता है वो, चिनाब नदी बनता है। और चिनाब नदी पहले इधर जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा मस्त गोल घूमता है और भारत और पाकिस्तान का थोड़ा देर सीमा बनाता है और उसके बाद फिर वो आगे चला जाता है, ठीक है। और मेन कहा जाए तो ये जो चिनाब नदी है, यही चिनाब नदी आगे चल करके ये जो ब्यास रावी नदी का जल लेकर के किस में जाएगा आपका? सतलज नदी में मिलता है, ठीक है। तो चिनाब, ये इस नदी का नाम क्या है? चिनाब नदी है, ठीक है, इस नदी का नाम भी याद रखना। अब उसके बाद एक है आपका झेलम नदी। कौन सा नदी? झेलम नदी। झेलम नदी जो है वो जम्मू कश्मीर का जो बेरी नाग है, ठीक है, बेरी नाग के पास एक झील है, इस झील का नाम याद रखना शेषनाग झील, ठीक है। बेरी नाग के पास जो शेषनाग झील है वहाँ से इसका उद्गम होता है और उसके बाद फिर ये क्या करता है, ऊपर चढ़ेगा थोड़ा सा और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, श्रीनगर में जाकर के, श्रीनगर के पास क्या है, एक वुलर झील है, वहाँ जाकर के वो मिलता है, ठीक है। और वुलर झील के बाद फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और भारत और पाकिस्तान का सीमा बनाएगा और उसके बाद फिर ये चला जाता है और जाकर के आपका चिनाब नदी में मिल जाता है, ठीक है। कई कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि जिस जगह पर ये चिनाब नदी से मिलता है उस जगह का नाम क्या है, तो उस जगह का नाम है झंग। जगह का नाम क्या है? झंग। झंग जगह पर क्या करता है वो? चिनाब नदी से जाकर के आगे मिल जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि हमारा जो नदी है उससे रिलेटेड पूछता है। ये आपका हो गया क्या? झेलम नदी। तो इसकी मेनली पांच नदियां हमको पढ़ना रहता है, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और ये आपका हो गया मेनली सिंधु नदी। इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे। देखिए अब यहाँ से इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मेनली परियोजनाएं हैं, क्योंकि नदी से रिलेटेड या नदी तंत्र से रिलेटेड परियोजनाओं पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए हम लोग को मेनली दो परियोजनाओं को देखना है। देखो इंदिरा गांधी वाला तो बता दिया आपको पूरा पूरा, एक बचता है आपका भाखड़ा नांगला बांध वाला परियोजना और एक है पोक परियोजना, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों हम सभी देख लेते हैं जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, इसका शॉर्ट में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है वो। देखो जो भाखड़ा और नांगल जो दो मेनली ये जगह है, भाखड़ा जो है वो कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में है और जो नांगल है वो कहाँ पर है आपका? पंजाब में है। नांगल कहाँ पर है? पंजाब में है। और भाखड़ा कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये दोनों का दोनों जो जगह है इन यहीं पर क्या बना है? बांध बना है, जिसको क्या बोला जाता है? भाखड़ा नांगल बांध कहा जाता है, ठीक है। और भाखड़ा कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब और पंजाब में क्या है आपका? नांगल है। और जब बांध बनता है तो वहाँ से जो पीछे में जो जल छूटता है उसी को क्या कहा जाता है? जलाशय कहते हैं। और यहाँ पर है गोविंद सागर जलाशय, ठीक है, जलाशय का नाम याद रखना गोविंद सागर जलाशय। और सिखों के जो दसवें गुरु थे वो कौन थे? गोविंद जी थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है गोविंद सागर जलाशय। और ये कम्प्लीटली कहाँ पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स याद रखना, जो भाखड़ा नांगल बांध है वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और उसका हाइट कितना है? 226 मीटर है। और ये जो गोविंद सागर जलाशय है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स थे आपके भाखड़ा नांगल परियोजना से। अब एक है पोंग परियोजना, उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पोंग परियोजना को, मैप बना लेता हूं मैं। तो देखिए जो हमारा पोंग परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर है। और कौन से राज्य में है? तो राज्य का नाम याद रखना आपका हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर पोंग परियोजना जो ब्यास नदी पर जो बांध बनाया गया है उसके कारण से जो जलाशय बनता है उसको क्या बोला जाता है? महाराणा प्रताप सागर कहा जाता है, ठीक है। और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो एग्जाम में अगर पूछेगा तो ठीक है, इतना डीप में मैक्सिमम ज़्यादातर एग्जाम में नहीं जाता है, लेकिन अगर आप लोग
यूपीएससी या तो फिर अगर स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम का तैयारी करोगे तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। जैसे कि जो चमेरा परियोजना है वो रावी नदी पर है और कौन सी स्टेट में है, तो हिमाचल प्रदेश पर है। थीम परियोजना है वो भी कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर ही है और वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में आता है। नाथपा झाकरी परियोजना जो है वो कौन से नदी पर है, सतलज नदी पर है और कौन सी स्टेट में आता है वो, तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है बगलिहार परियोजना, ये चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में है। और दुलहस्ती परियोजना जो है वो आपका चिनाब नदी पर ही है और जम्मू कश्मीर में है। उरी परियोजना जो है वो झेलम नदी में है और ये कौन से स्टेट में आता है आपका, तो जम्मू कश्मीर स्टेट में आता है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, वो जो भाखड़ा नांगला परियोजना बताया था उसमें कौन कौन से राज्य मेनली लाभान्वित होंगे, तो राजस्थान और आपका हरियाणा भी आ जाएगा और साथ ही साथ जो दो लोग हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश, तो वो तो लाभान्वित होंगे ही, साथ ही साथ वहाँ से थोड़ा दिल्ली को भी पानी दे दिया जाता है, तो ये सारे राज्य थोड़ा जो आसपास के हैं वो लाभान्वित होंगे। और मेनली वो तीन स्टेट का ही परियोजना है, राजस्थान, पंजाब और आपका हिमाचल प्रदेश, लेकिन और भी कुछ स्टेट उसमें से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। और मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसे वीडियो लेकर के आता ही रहता हूं और डेली का डेली 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल में आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो मैंने वीडियो के बीच में क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू।